Hello everyone. Here we will discuss about the GTU paper solution 2018 of the subject plant maintenance and safety. Now we will discuss the first question asked in the GTU examination 2018. Explain repair complexity in detail. Repair complexity को हमको detail में explain करना है यहाँ पे. तो इसका answer इस तरह से है कि the machine which has have more mechanical gearing, hydraulic and pneumatic units, more guide surface and different types of transmission are used, then its design is complex. जितना आपकी जो मशीन की डिजाइन है कॉम्प्लेक्स बनती जाएगी उतनी आपकी जो रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती जाएगी. ओके तो जैसे कि यहाँ पे एक मशीन का एग्जाम्पल दिया गया है कि जितना जो आपका मोर गियरिंग हो ठीक है जो भी एक मशीन है उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ गियर टाइप के जो जो मशीन्स है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गियर अगर यूज किया हुआ हो, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक यूनिट्स उसमें मैक्सिमम हो, गाइड सरफेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ओके अलग अलग ट्रांसमिशन टाइप्स उसमें यूज किए हुए हो, तो उनका जो रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है. ठीक है तो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसकी क्या हो जाती है, रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट है द मेंटेनेंस ऑफ सच मशीन आर कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसके वजह से क्या होता है कि उसका जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. ठीक है इच मशीन आर डिजाइन एज अ रिलेटिव इंडेक्स एज पर देयर कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर, हर मशीन को एक रिलेटिव इंडेक्स ओके आपका जो रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी है उसके रिलेटिव इंडेक्स में उस मशीन को असाइन किया जाता है और उसके बेस्ड ऑन उसके कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर से. ओके द रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स ऑफ मशीन इज लोअर, मेंटेनेंस कैन बी डन इजली एंड स्वीटली. जितना आपका रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है ठीक है इसको रेटिंग की जाती है, जैसे 1 होगा तो रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो कम होगा, 2 होगा तो उससे थोड़ा ज्यादा होगा, 10 तक उसकी रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम हो जाएगी. तो जैसे इसमें रेटिंग किया है कि रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स ऑफ द मशीन इज लोअर, अगर उसका मशीन का रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स अगर लोअर है तो उसका मेंटेनेंस भी उसमें लोअर होगा और उसको हम इजिली और स्पीडली डन कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट है रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स ऑफ मशीन इज हायर, अगर रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी मशीन जो है उसका हायर मशीन रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी है तो मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट एंड कंज्यूम्स मोर टाइम, और जिसकी वजह से उसके वजह उसका मेंटेनेंस मैक्सिमम होगा और मोर टाइम कंज्यूम करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन सेफ्टी कलर कोड. ओके तो सेफ्टी कलर कोड क्या होता है, इसका आंसर इस तरह से है कि द सेफ्टी कलर कोड इज यूज टू प्रिपेयर नोटिसेस साइंस एंड लेबल. आपने देखा होगा कि आपके जो एनवायरमेंट है ठीक है वहां पे अलग अलग सेफ्टी कलर कोड यूज होते हैं, जिस तरह एक ट्रायंगल सेफ्टी कोड होता है जहां पे एक्सक्लामेशन मार्क्स दिया रहता है और नीचे कॉशन लिखा रहता है, कुछ जगह ऐसा होता है कि वहां पे जो स्कल है और दो क्रॉस करके निशान दिया रहता है वहां पे डेंजर लिखा रहता है और पूरा जो बोर्ड है उसको रेड कलर में डिनोट किया रहता है. तो इस टाइप का जो सेफ्टी कलर कोड रहता है तो वो हमको उस सिचुएशन का जो सिचुएशन से क्या होता है उसको एक प्रिकॉशन देता है ठीक है कि हम उस सिचुएशन से बचे ठीक है. तो वो हमारा एक अटेंशन अटेंशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होने वाले होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं ठीक है. तो सेफ्टी कलर कोड का मेन फीचर्स यही है कि आपका जो हैजार्डियस कंडीशंस है हैजार्डियस कंडीशन से आपको प्रोटेक्ट करना. ओके ये सेफ्टी कलर कोड का एक मेन पर्पस है ठीक है. तो बेसिकली इसको हम कलर कोड इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, पहला येलो कलर, मैक्सिमम आपने देखा ही होगा कि येलो कलर का जो कोड है वो हर जगह लगा रहता है ठीक है, वहां पे नीचे कॉशन लिखा रहता है कॉशन. ओके तो कॉशन इसलिए लिखा रहता है, जनरली इट इज यूज टू इंडिकेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट एक्सेट्रा ठीक है. तो टेम्परेचर जहां मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम होता है, और आपने देखा ही होगा कि मोबाइल टावर जो रहते हैं वहां पे जो आयोनाइजेशन रीजन होता है जो मैक्सिमम रेडिएशन रीजन होता है तो वहां पे भी इस तरह का येलो साइन बोर्ड लगा रहता है. तो इसका मतलब ये है कि उस जगह से हमको उस जगह के नजदीक हमको नहीं जाना है ठीक है. तो ये येलो कलर कोड हमको इंडिकेट करता है कॉशन. ओके नेक्स्ट है रेड कलर, रेड कलर आपको क्या करेगा पूरी तरह स्टॉप सिंबल का ओके स्टॉप करने के लिए होता है, इमरजेंसी स्टॉप, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, सिलिंड्रिकल हार्म सॉरी सिलेंडर हार्मफुल सिलेंडर कंटेनिंग हार्मफुल मटेरियल्स इज इंडिकेटेड बाय दिस कलर. ओके आपने देखा होगा कि कोई ट्रक है, कोई ट्रक जब कोई हैजार्डियस
जो मटेरियल लेके जाते हैं, तो उसके पीछे इस तरह का रेड कलर मार्क दिया रहता है और डेंजर का साइन दिया रहता है, तो उसमें वो ये डिनोट करता है कि इसके अंदर एक हार्मफुल मटेरियल है जिसके वजह से हमारे जो लाइफ है उसके ऊपर थ्रेट ऑकर हो सकता है। ओके, तो इसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट है ग्रीन कलर कोड। ग्रीन कलर कोड एक सेफ्टी इंस्टॉलेशन होता है और टू शो द सेफ कंडीशन ऑफ मैकेनिज्म, कोई सेफ कंडीशन जो है उसके लिए भी ये ग्रीन कलर कोड यूज होता है। साथ में वेस एंड पैसेज ऑफ एस्केप, ठीक है, जैसे ट्रैफिक लाइट के लिए जो यूज होता है जहां पे हम पैसेज और वेस देखते हैं। ओके, तो उसके लिए हम ये ग्रीन कलर कोड यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्लू कलर कोड। ओके, तो ब्लू कलर कोड क्या होता है कि व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज येलो रेड एंड ग्रीन कलर एट पर्टिकुलर लोकेशन, दिस कलर इज यूज्ड एज साइन। कुछ ऐसा कंडीशन होता है, कुछ ऐसी साइन होती है और मैंडेटरी साइन होती है जहां पे ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम ये तीन कलर यूज कर सके। अदरवाइज जो जो सिचुएशन है वो ये तीन कलर कोड के क्राइटेरिया में नहीं आती है, तो उस टाइप के सिचुएशन और नोटिसेस के लिए हम ब्लू कलर कोड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट आर यूज टू इंडिकेट ट्रैफिक एरियाज। ओके, ट्रैफिक टाइप के जो एरियाज होते हैं वहां पे व्हाइट कलर और यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको यूज करके हम यूज करते हैं। ओके, ये हमारे कलर कोड का यूज था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कलर कोडिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये येलो वार्निंग है, रेड प्रोहिबिशन, ब्लू मैंडेटरी और ग्रीन सेफ कंडीशन। ओके, तो इस तरह से हम जो सिंबल होता है उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ओके, सेफ्टी फीचर्स सच एस इमरजेंसी शावर्स है, इंस्ट्रक्शन दैट मे ऑबेड सच वियर आई प्रोटेक्शन। ओके, कुछ मैंडेटरी जो रूल्स होते हैं उनको, इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ऑबे करने के लिए ये टाइप का कलर कोड यूज होता है, और कोई चीज को स्टॉप करने के, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टॉप स्मोकिंग, ओके, इसको स्टॉप करने के लिए हम रेड कलर कोड यूज करते हैं, और यहाँ पे हजार्डियस कंडीशन के लिए येलो। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्लैक ऑन येलो, ओके, ब्लैक साइन है ऑन येलो बैकग्राउंड। ओके, इसको येलो कलर कोड से बताया गया है। यहाँ पे इस तरह से अलग अलग कोडिंग दी गई है इसकी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट है ये फ्लेमेबल। ओके, कोई जो मटेरियल है वो फ्लेमेबल है तो उसके लिए इस तरह से साइन यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है हैजार्डियस, कोई सिचुएशन हैजार्डियस है तो उसके लिए ये टाइप का कलर कोड और साइन यूज की गई है। और नेक्स्ट है ये कोरोजिव, कोरोजन टाइप के जो इक्विपमेंट मटेरियल होते हैं तो उस टाइप के लिए ये यूज किया हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेड। ओके, तो जहां पे इस तरह का साइन आपको दिखेगा वहां पे क्या किया है, प्रोहिबिशन किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नो ईटिंग और ड्रिंकिंग, कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हमको कोई ईटिंग और ड्रिंकिंग मना रहता है। ओके, नेक्स्ट है नो नेक्स्ट फ्लेम्स। ओके, जहाँ पे फ्लेम्स कुछ भी स्मोकिंग और उस टाइप का प्रोसेस हम वो सॉरी स्मोकिंग और वो सब प्रोहिबिट होता है। ओके, नेक्स्ट है नॉट ड्रिंकिंग वाटर, कुछ केमिकल और या तो कुछ इस टाइप के वाटर होते हैं। ओके, तो उस जगह पे यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का प्रोहिबिशन दिया रहता है कि वो सिचुएशन के जिस टाइप का सिचुएशन एनवायरनमेंट है उसके रिलेटेड इस टाइप का जो साइंस है वो बताई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर, ओके, ऑन वाइट बैकग्राउंड, इसको इस तरह से जो भी मैंडेटरी साइन है जो हमारे इंडस्ट्री प्रोसेस में यूज होता है कि डस्ट मास्क है, एक्सट्रेशन है और टू बी स्विच ऑन। ओके, यहाँ पे ये वेंटिलेशन का हुआ है। ओके, सेफ्टी ग्लोव्स, सेफ्टी सॉरी सेफ्टी ग्लास, ओके, टू बी वॉर्न, विजर मस्ट बी वॉर्न, ओके, रेस्पिरेटर, इस टाइप का जो अलग अलग जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट और मैंडेटरी साइंस होते हैं उसको यहाँ पे ब्लू कलर कोड में बताया जाता है। नेक्स्ट है सेफ साइन। ओके, तो सेफ साइन को इस तरह से बताया गया है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेन एनालिसिस। ओके, यहाँ पे ये हमारा वेन एनालिसिस है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर इस तरह से है, इन दिस मेथड शेड्यूलिंग द मेंटेनेंस वर्क मशीन्स आर ग्रुप एज देयर यूटिलिटीज एंड इम्पोर्टेंस। मशीन को क्या करते हैं उसके यूटिलिटीज और इम्पोर्टेंस के बेस पे उसको ग्रुप करते हैं। द वेन एनालिसिस डिवाइड द मशीन इन फोर ग्रुप्स, ईच ग्रुप्स इंक्लूड द शेड्यूल एज प्रायोरिटी। ओके, उनको चार ग्रुप में बांट दिया जाता है, वाइटल मशीन, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट एंड नॉर्मल मशीन। ओके, तो ये चार ग्रुप में हमारा वेन एनालिसिस डिपेंड ऑन मशीन्स। ओके, मशीन को के ग्रुप के
बेस पे उसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है।